भागलपुर नगर निगम सभागार में सत्र 2017-22 की अंतिम सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। लगभग ढाई वर्षों के बाद आयोजित बैठक के दौरान 2022-23 का बजट पेश किया गया। महापौर सीमा शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान नए सत्र में 18,22,000 रुपया आय नगर निगम को होने की बात कही गई। इस दौरान शहर की साफ सफाई, नगर निगम क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यालय के रंग रोगन का कार्य, कर्मचारियों पर होने वाले खर्च के अलावे कई पुरानी योजनाओं को पूरा करने को लेकर भी चर्चा की गई। आज था, मैंने 22-23 का बजट था तो उसमें आज हम लोग का बढ़ोतरी में मतलब आय का संभावना 18,12,055 रुपया हम लोग आय बढ़ने का है संभावना। और क्या सर चाहिए आपको, क्या क्या पाए? इसमें जितने मतलब आता है सब संसाधन इसमें आता है, योजना है, संसाधन है, पार्स आपका ये स्टाफ का भत्ता है, कर्मचारी का है, मतलब सारा इसमें आता है। और सफाई हो, योजना हो, आंतरिक संसाधन हो, लाइट हो, मतलब हर चीज़ का संसाधन पे ही ये आज बजट पास हुई है। तो ये सरकार हो जाएगी, इस पर हम शहर में खर्चा कर सकते हैं। शिक्षा को लेकर स्कूल वगैरह को लेकर इसमें तो शिक्षक वगैरह तो है लेकिन ऐसा नहीं है, शिक्षक में तो आपको बहाली होता है तो बाहर से नहीं। जैसे स्कूल के जो डेंटिंग पेंटिंग होती है उसके लिए जो नगर निगम जो द्वारा जो संचालित होती है उसके लिए वही पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने इस बैठक में लिए गए फैसले को कट पेस्ट की संज्ञा देते हुए कहा कि बैठक में बजट पर चर्चा तो हुई लेकिन कोई भी विशेष आश्वासन नहीं मिला। आज इस कार्यकाल की अंतिम बैठक कह सकते हैं, सामान्य बोर्ड की बैठक में बजट पर चर्चा हुई और आज की बैठक में बजट पास हुआ। हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी हम सभी पार्षदों को कि पिछले जो कई वर्षों ढाई वर्षों से जो बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही थी उस पर भी कुछ जो जन सामान्य से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होगी और विस्तृत ढंग से सुनकर इसके समाधान हेतु लोग प्रयास करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि इस बार की बैठक में जनसाधारण के लिए कुछ बात उनकी समस्या को लेकर पूर्व की बैठक को लेकर उसके प्रोसीडिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हो पाई। हालाँकि ये बजट पूर्व की भांति जैसे एक पैटर्न बना हुआ है, मतलब कट कॉपी एंड पेस्ट उसी पैटर्न पर था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट से जो आने वाला जो समय होगा, कार्यकाल होगा, उसमें इस बजट में जो जितने प्रावधान किए गए हैं उस पर 100% से प्रशासन उसको पालन करने का प्रयास करेगा। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम को अपने ऊपर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है और वो आत्मनिर्भरता तभी बनेगी जब नगर निगम अपने आंतरिक स्रोत को, संसाधन को वो व्यापक तौर पर, विस्तृत तौर पर उसका उपयोग करेगा। तो आंतरिक संसाधन हेतु भी कई सुझाव हमने अपने तरफ से दिया है और उम्मीद करते हैं आने वाले समय, अभी तक जो नहीं हो पाया वो आने वाले समय में भी हो, ताकि सबका निचोड़ यही है कि जनता को इस बजट से उनके सपनों को साकार करता हुआ नजर आए। और एक महत्वपूर्ण सुझाव इस बोर्ड की बजट की बैठक में यह भी आई कि नगर निगम द्वारा संचालित जितने भी प्राथमिक मध्य विद्यालय हैं उसका रंग रोगन हो, बच्चों वहाँ पर ही पठन पाठन सामग्री, खेल सामग्री उपलब्ध नगर निगम के माध्यम से कराया जाए ताकि वहाँ के बच्चों को भी ऐसा फील हो कि वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये यही सब कुछ बातें रही। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।